इतने से माहौल में ही ये बात मन में उभर गई है, क्योंकि वो जो 22 प्रतिमा एक साथ, तो ऐसे लगता है कि हम जैसे भगवान के बीच में, साक्षात भगवान के बीच में बैठ के सारी अनुभूति कर रहे हैं। यहाँ जीव आवे, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार का नारा लेके आवे और तत्व विचार करके तत्व प्रचार करें, यही ढाईदीप जनार्दन का नारा था, यही उद्देश्य था और ढाईदीप इस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों में कि जैसे उनको सुबह से लेके शाम तक, रात तक इस तरह की एक्टिविटी रखते हैं कि उनका एक फिजिकल भी बहुत अच्छा उनका रहे, कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए उनके लिए खेल कूद वगैरह भी सब प्रकार के प्रोवाइड कराते हैं, मानसिक स्वस्थता के लिए उनको फ्री भी रखते हैं, थोड़ा उनका मन अच्छा हो, हल्का हो, बोझ नहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ाई 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 एजुकेशन बस, उनको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे अच्छी लग रही है, अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि हम लोगों को भी लग रहा था कि कहीं लेकर अपनी गलती तो नहीं करी इसे, लेकिन वो विद्यार्थी भी स्टेज पर आकर बेखौफ बोल रहा है, भक्ति में जो कांपता था वो विद्यार्थी भी आराम से भक्ति कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके परसेंटेज कम थे लेकिन उनका भी रिजल्ट हमारे यहाँ पे A1 रहा है।